लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 5 घंटे तक पानी के बीच फंसे रहे यात्री, भारी बारिश के चलते हुआ ये हाल जगदलपुर। भुवनेश्वर से जगदलपुर आ रही हीराखंड एक्सप्रेस को शनिवार की सुबह भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने और ट्रैक को नुकसान पहुंचने के चलते कोरापुट रायगढ़ के करीब भालूमस्का स्टेशन के पास रोकना पड़ा। इसके चलते ट्रेन में यात्री करीब 5 घंटे तक फंसे रहे। पहाड़ी इलाका, चारों ओर ट्रैक में पानी और रुकी हुई ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों की सांसें इन 5 घंटे तक थमी रहीं। दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही जल स्तर कम हुआ और ट्रैक को सुधारा गया, इसके बाद कहीं जाकर ट्रेन के पहिए आगे बढ़े और ट्रेन कोरापुट पहुंची। इसके बाद कोरापुट में ही ट्रेन को स्थगित कर दिया गया। वहीं यात्री अन्य परिवहन सुविधा तक देर रात तक अपने अपने स्थान पहुंचते रहे। ओडिशा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने के चलते मिली जानकारी के अनुसार नदी नाले उफान पर हैं। यह इलाका पहाड़ी है, यहां बारिश की वजह से अचानक पहाड़ों के जरिए तेज पानी ट्रैक में पहुंच गया। पहाड़ी मार्ग और बढ़ते जल स्तर को देखते हुए शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे तुरंत ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन के रुकते और चारों ओर चढ़ते जल स्तर को देख ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें थम गईं। हालांकि ट्रेन प्रबंधन ने इसकी जानकारी यात्रियों तक पहुंचा दी। यहां रेलवे इंजीनियर तुरंत साइट पर पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद गैंगमैन ने साइट पर काम किया और ट्रैक को सुधारा और अंतिम प्रस्थान से पहले सुरक्षा मंजूरी दे दी। ट्रेन कोरापुट पहुंची है और सभी यात्रियों सुरक्षित हैं। कोरापुट में ट्रेन को समाप्त कर दिया गया और 18,448 कोरापुट भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। विशेष एक्सप्रेस के पहिए दंतेवाड़ा में थमे। इधर ट्रेन नंबर 08512 विशाखापत्तनम किरंदुल विशेष एक्सप्रेस, जो शुक्रवार को विशाखापत्तनम से किरंदुल के निकली थी, दंतेवाड़ा पहुँच रुक गयी। वहीं दंतेवाड़ा से विशाखापत्तनम तक 08511 के रूप में लौट गई। भांसी व बच्चेली सेक्शन के बीच ट्रैक क्षतिग्रस्त। रेलवे के मुताबिक भारी बारिश के चलते जहां कोरापुट के पहले पहाड़ी इलाके में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ भांसी व बच्चेली के बीच भी रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ। एक के चलते ट्रेन नंबर 58501 शनिवार को विशाखापत्तनम तक छोड़ने वाली पैसेंजर कोरापुट तक ही चली। वहीं कोरापुट से विशाखापत्तनम तक ट्रेन नंबर 58502 के रूप में लौट आया। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 58502 किरणंदुल विशाखापत्तनम यात्री शनिवार किरणंदुल से निकलकर बच्चेली में रुक गई। इस अचानक स्थगन के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रैक सुधारने का काम युद्ध स्तर पर जारी। डीआरएम मुकुल करण माथुर ने बताया कि लगातार बारिश के चलते रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इसकी जानकारी मिलते ही सुधार टीम मौके पर पहुंच गई है। काफी हद तक क्षतिग्रस्त ट्रैक का सुधार भी कर लिया गया है। वहीं इस काम को लेकर वे और उच्च अधिकारी सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शाम 7 बजे के मार्ग पर फिर से दौड़ी टेरन। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त ट्रैक को सुधारने रेलवे ने युद्ध स्तर पर काम जारी रखा। नतीजतन के मार्ग में ट्रेन सेवाएं शाम 7 बजे तक फिर से शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ विभागीय रेलवे प्रबंधक मुकुल सरन माथुर और डिवीजन और जोन के उच्च अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।